हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को आज फिर से पढ़ना है चैप्टर 10, जिसमें हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 10.3। मैं इस बार इसलिए इस चैप्टर को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हमें किसी भी बच्चे का वर्क नहीं मिला। इट मीन्स शायद आप लोगों को ये चैप्टर समझ में नहीं आया था। ओके, तो आज हम फिर से एक बार इस चैप्टर को रिपीट करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो? ओके, टेक योर पेंसिल, ओपन योर नोटबुक एंड बुक। क्वेश्चन नंबर ए एंड बी आपको अपनी नोटबुक में करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर सी को फिल करना है अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर ए में कन्वर्ट इन द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर। बच्चों यहाँ पर मेजर दी है मीटर्स में, जिन्हें आपको किलोमीटर्स में चेंज करनी है, कन्वर्ट करनी, एक्सचेंज करना है। तो अब आप करना क्या है, जैसे 1 किलोमीटर हमने आपको पढ़ाया था, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 8 किलोमीटर इज इक्वल टू 8000 मीटर। तो जब हम मीटर को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन अब यहाँ पर हमें करना है मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट। क्या करना है बच्चों, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, डिवाइड, क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। ओके, तो चलिए हम क्या करेंगे, 8000 मीटर इज इक्वल टू 8000 अपॉन 1000 किलोमीटर। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, सेकंड ज़ीरो से सेकंड ज़ीरो कैंसिल, थर्ड ज़ीरो से थर्ड ज़ीरो, यानी 8000 मीटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। सभी बच्चों ने लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो थे तो हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया। ओके, अच्छा, अब इसी प्रकार से यहाँ पर 19875 मीटर कितना लिखा बच्चों, 19875 मीटर इज इक्वल टू 19875 अपॉन 1000। तो बच्चों 1000 में 30 हैं, और ये हम आसानी से डिवाइड ना करके इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल पॉइंट कैसे करेंगे आप, यस, काउंटिंग करेंगे आप। ज़ीरो कितने काउंट किए, 3। अब आपको 3 डिजिट काउंट करने हैं, किधर से, वंस, टेंस, हंड्रेड। ओके, लेफ्ट साइड से काउंट करना है, शाबाश। तो डेसिमल पॉइंट लग जाएगा 8 और 9 के बीच में, ठीक है। अच्छा, तो अब कितने किलोमीटर हो जाएगा, 19.875 मीटर। इसी प्रकार से बच्चों आपको थर्ड एंड फोर्थ भी करना है। कैसे करना है, 7014 मीटर दिए हैं, आप इसको लिखिए 7014 अपॉन 1000। कितना लिखेंगे, 7014 अपॉन 1000। अब 1000 में फिर से आपको 30 दिख रहे हैं, और आपको काउंट करनी है 3 डिजिट न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यहाँ पे क्या हो जाता है, 7014 लिखा है ना। अच्छा, फिर से लेफ्ट साइड से आप काउंट कीजिए, 1, 10, 100। ओके, तो डेसिमल पॉइंट किससे पहले लगेगा, 0 से और 7 के बाद में। ओके, यानी 7 और 0 के बीच में। इसी प्रकार से अब आप क्वेश्चन नंबर बी, बच्चों जैसे हम बता रहे हैं बस वैसे ही आपको करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर मीटर्स में चेंज करनी है, सेंटीमीटर दी गई है मिसेस, आपको कन्वर्ट करना है मीटर्स, मीटर यानी, वेरी गुड। जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर रहते हैं, 100। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से जब सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो इस कंडीशन में 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब आपको करना है 876 सेंटीमीटर, लिख लिया, ओके, इज इक्वल टू 876 अपॉन 100, ठीक है। आप 100 में 0 काउंट कीजिए, यस, 2 है, तो आप
टू डिजिट से पहले आप डेसिमल लगाएंगे, ठीक है? तो टू डिजिट कौन सी होगी? यस, वंस टेंस, ओके। तो यानी कि सेवन से पहले डेसिमल लगाएंगे, शाबाश। तो कितने मीटर आ जाएंगे? 8.76 मीटर्स। इसी प्रकार से आप लिखेंगे 3425 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3425/100। लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? 3425 सेंटीमीटर अपॉन 100, ठीक है? तो अब ये क्या हो गए, मीटर में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, अब इनमें काउंट कीजिए ज़ीरो। तो ज़ीरो फिर से टू है, इट मीन्स आप क्या करेंगे, टू डिजिट से पहले, टू डिजिट यानी 34.25 मीटर्स, ओके। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में 500/100, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, सेकंड ज़ीरो से सेकंड ज़ीरो कैंसिल, क्या बचता है बच्चों? 5, यानी 500 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। लिख लेंगे बच्चों। अब आपको क्वेश्चन नंबर सी में आपको करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और सभी बच्चों को ये हमने फिलअप करा दिया है। फिर भी जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमें तो किसी भी बच्चों का वर्क मिला ही नहीं था, इसलिए अब आप लोगों को ये वर्क 8000 मीटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर ये फिल करिए जैसे मैं बताते जा रही हूँ। 47 मीटर इज इक्वल टू लिखिए 4700, क्योंकि देखिए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 का मल्टीप्लाई किया है, ओके। 43,415 मीटर को आप किलोमीटर एंड मीटर में लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 43 किलोमीटर 415 मीटर, ओके। लिख लिया, अच्छा। अब सेंटीमीटर दिया है, इसको सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर में लिखेंगे कैसे? तो लिखें 4 मीटर 96 सेंटीमीटर। 62 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखेंगे 62,000 मीटर, 5,410 सेंटीमीटर को आप लिखेंगे मीटर एंड सेंटीमीटर में, तो लिखिए 5 मीटर एंड 410 सेंटीमीटर, ओके। तो आप सबने लिख लिया। लास्ट में है लताश चुनरी इज 250 सेंटीमीटर लॉन्ग, लता की जो चुनरी की लेंथ है वो है 250 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ इन मीटर्स, यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगी, तो आप कितना लिख सकती हैं? 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, ओके। क्योंकि आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगी। 250/100 इज इक्वल टू 2.50, ओके, जिसे आप लिख सकती हैं 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, ओके। तो आज जो आप लोगों को इस वर्क को फिर से एक बार अपनी नोटबुक में ए बी एंड क्वेश्चन नंबर सी, ए बी एंड क्वेश्चन नंबर सी आप अपनी नोटबुक में कीजिए, जबकि क्वेश्चन नंबर सी आप बुक में फिल कीजिए, और डेट दोनों में सेम होनी चाहिए। तो आज की डेट क्या है बच्चों? यस, आज की डेट है 1 दिसंबर, ओके। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।